जी वेलकम बैक। अई खोर सारियूं ॻाल्हियूं जेके अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस करे रहिया आहियूं, जिन मां हिकु शइ जेका जंहिंजी निशानदेही किथे करणु असां लॻिया हुआसीं, त हीअ जेको जेको विज़न न क्लियर थियण जो जेको प्रोसीजर आहे, जेको ॾाढो कॉमन थी वियो आहे। हिकिड़ो त हूंदो आहे त ठीकु आहे असां करे क्लियर करे न पिया सघूं, हिकिड़ो हूंदो आहे असांखे ख़बर ई न आहे त असांजो विज़न क्लियर न आहे। हमें पतो ई नहीं होता कि ये विज़न हमारा क्लियर नहीं, हमें लगता है कि यही रट्टा मार के जो पास होना है ना, यही सबसे बेस्ट तरीका है और इसी तरह हम आगे निकल सकते हैं। ऑल्दो कहते हैं कि रट्टा इस समथिंग के आपके जहन में वो बड़ा एक वीक जगह होती है जहाँ आप चीज़ें याद कर रहे होते हैं, वो जो रट्टा आप लगाते हैं आपको लगता है कि वो लाइफ टाइम के लिए हमें याद रह जाएगा, बट वही सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है। ये ट्रेंड हमारे पास कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और किसी को पता भी नहीं चला ये इतना कॉमन हो गया? असल में हम अगर थोड़ा सा हम बैक पे चले जाए तो अभी जो रिसेंटली जो है ना वो जिस तरह स्टार्ट हुआ है, तो सिर्फ जो है ना हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं सिर्फ मार्क्स लेकर आऊँ, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मार्क्स तो आप लाओगे लेकिन आगे का आपका क्या जो है ना वो सोच क्या है, आप आगे क्या करोगे। अगर मार्क्स की जगह हम अपनी उस चीज़ पर उस काम पर फोकस करें तो वहीं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम वो नहीं कर सकते तो फिर उससे हम बेटर कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और लेकिन हम उस बारे में आजकल सोचते ही नहीं हैं, ऐसा ही है उमर साहब जी। और ये जो ट्रेंड हमारे पास स्टार्ट हो गया है, चलिए यहाँ तक तो मुझे समझ आता है कि ठीक है, चलो जो होना था सो हो गया, लेकिन अब भी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। ये मेरे ख्याल है गुजरे कोई जो रिसर्चर्स की बातें हैं कि गुजरे कोई 20-25-30 साल से ये कोई स्टार्ट हुआ है, उससे पहले बड़ा अच्छा लोग पढ़ रहे होते थे, समझ के लोग पढ़ रहे होते थे, उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो भी कुछ यू नो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई, प्रेशर पढ़ाई पर ज़्यादा बढ़ गया, जो पढ़ना चाहिए था उसको हमने छोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने लग गए। तो ये जो 20-25 साल से ये जो अचानक का एक ट्रेंड चेंज हुआ है और 20-25 साल में ही हमारा एक नौजवान हमारे सामने आया, अगर देखा जाए तो वो नौजवान जो पढ़ के आया है और वो जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने पढ़ा है, जो आज 40s 45 या यू नो लेट 40s में या 50s में उस टाइम में, उसकी और उसकी क्वालिफिकेशन में ज़ाहिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये फ़र्क आप मैच कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इस वक्त कोई नौजवान जॉब करने जा रहा है तो उसको लीडर वो मिल रहा है जिसने पहले वाली पढ़ाई की हुई है, और जो अब नौजवान जा रहे हैं वो ज़ाहिर है वही रट्टे वाली पढ़ाई या सिफारिशों वाली पढ़ाई वो करके जा रहा है। तो हम जब तक उन चीज़ों को मैच नहीं करेंगे, चीज़ों को कामयाबी की तरफ कैसे ले जाएंगे हम? मैं एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। इट इज़ सेड, इट इज़ नॉट इनफ दैट वी डू द बेस्ट, समटाइम्स वी मस्ट डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हम बेस्ट ना करें, जो रिक्वायर्ड है वो करें। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, लेकिन अगर हम गलत चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। बिल्कुल, व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू प्रैक्टिस विद राइट थिंग्स एंड विद राइट पीपल, तब हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि मार्क्स के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें A1 ग्रेड लेना चाहिए, बल्कि हमें विजनरी पर्सन होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। बिल्कुल, अगर हम विजनरी बनेंगे तो डेफिनेटली जैसे कि हमारा तारीख रहा है पाकिस्तान का, कादी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल, तो डेफिनेटली हम इस तरह के हीरोज, वी गोना हैव दिस सॉर्ट ऑफ हीरोज इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर हम इसको समझने में कामयाब हो गए जी तो, जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक फील हमारे नौजवानों में, आपकी तो ज़ाहिर है आपकी तो तमाम फैमिलीज से हम, क्योंकि बेसिकली नौजवानों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कहते हैं जब आपको जब चेंज चाहिए होता है तो आपको अपनी यूथ को उठाना पड़ता है, तो हम क्योंकि उस चेंज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वो चेंज हम कहने को तो हम सिर्फ यूथ की बात करते हैं, लेकिन उस यूथ से कनेक्ट करती है पूरी फैमिली, उस यूथ से कनेक्ट करती है वो सारे राइट्स जिनके लिए आप काम कर रही हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आप उस यूथ को कहाँ देखती हैं जो आज हमारी शायद भटकी हुई है, शायद समझ नहीं आ रही, जो कहीं भी एक पोस्ट लग जाती है हम वहाँ भागने शुरू हो जाते हैं, तो अभी हमें कुछ समझ वैसे भी नहीं आ रहा हमारी यूथ को, उन चीज़ों के साथ आप उनकी फैमिली जिनको एक्चुअल हकाइक पता है, जो एक्चुअल हकाइक समझ सकते हैं, उनको कहाँ कैसे मैच करती हैं आप? सबसे पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूँगी जो उमर ने भी कही, उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे जो यूथ है
उस पर एक प्रेशर है, ना सिर्फ उसके जो माहौल है यानी उसके स्कूल से प्रेशर है कि हमें बस अच्छे मार्क्स चाहिए, हम एक हमें मैं क्योंकि मैं 12 साल टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता रही हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसमें एक चीज़ ये थी कि पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो वही कह रही है कि तुम्हें पोजीशन लेनी है, तुम्हें मार्क्स गेन करने हैं, फ्रेंड सर्कल है, मार्क्स गेन करने। फिर वो बड़ा हमारे यहाँ जाता है ख़ानदान, वो ताया का बेटा, वो फुप्पो की बेटी, इसका उनके मार्क्स तो ये हैं तो तुम्हें भी वो मार्क्स लेने। हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं कहते कि बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें इतना पढ़ना है या इस तरह से पढ़ना है कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें वो चीज़ें काम आए। तो हम यूथ पे तो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके पीछे प्रेशर कितना है, उन्हें उनके एकेडमी से प्रेशर है, उनके फैमिली से प्रेशर है। हम खुद इसमें जिम्मेदार हैं, हमारी फैमिली जिम्मेदार होती हैं जो हमें ये नहीं सिखाती कि आपको पढ़ना किस लिए है। मैं डिग्री से ज़्यादा एबिलिटी पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने सामने इतने अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर्स देखे हैं जो जब हम काम कर रहे होते थे तो उनकी डिग्रीज तो बड़ी 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 होती थी लेकिन जब प्रैक्टिकली हम काम करते थे तो आई वॉज लाइक यार इस बंदे या इस बंदी की डिग्री तो ये है। तो फिर ये चीज़ें समझें कि वो रट्टाफिकेशन का जो ट्रेंड चला हुआ है या चीज़ों को समझ के ना पढ़ने की वजह से आज ये लोग डिग्रीज तो हैं पर इनमें वो काबिलियत नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही कि हम फैमिलीज़ और यूथ हम कैसे इन चीज़ों को कनेक्ट करें। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे एजुकेशन, क्योंकि मैं दोनों डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ, एजुकेशन एंड हेल्थ आपका, इसमें कुछ भी नहीं रहा, ये सिर्फ एक बिजनेस है। रियली सॉरी टू से ये एक बिजनेस बन चुका है। मैं अगर डिग्री, क्योंकि मैं कम्युनिटी में रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, अगर कोई एक डॉक्टर अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अगर कोई 20-25 लाख लगा रहा है तो उसका सबसे, मैं मेजॉरिटी की बात करी, दो दो डॉक्टर साथ बैठे हैं, मेजॉरिटी की मैं बात करी, उनका सबसे पहला ये होता है क्या, ये जो हमने इन्वेस्ट किया हमें ये गेन करना है, हमने जो लगाया हम पहले लें। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, मेरा बहुत वास्ता रहा है और मैंने एजुकेशन फील्ड छोड़ी ही इसी वजह से कि यार यहाँ हो क्या रहा है, हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम उन्हें कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, सिर्फ हम उनकी कॉपीज भर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं कि आपने बस मार्क्स लेने हैं। इसी तरह फैमिलीज़ को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो हमारे इदारे हैं जो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी यूथ को खुद अपने हाथ से तबाह कर रहे हैं और फिर हम ये गिला कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो प्रॉपर ऐसे कुछ जो हैं इदारे हों या ऐसे लोग हों जो फैमिलीज़ के साथ साथ यूथ की काउंसलिंग करें। आपने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की थी, ऐसा नहीं कि हमारी यूथ जो है वो इंस्पायर नहीं होती, हमारी यूथ माशाल्लाह पाकिस्तानी जो कौम है बड़ी टैलेंटेड है लेकिन उन्हें एक सही रास्ते की एक डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो कि हम गाहे बगाहे अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, यार गली मोहल्ले में कहीं बच्चों को समझा दिया, ये हैं इनके फादर हैं, मैं उन्हें जानती थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, डॉक्टर साहब हैं, तो वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, हम एक बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं कर पा रहे होते क्योंकि सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम भी समझे कि स्ट्रगलिंग एक पीरियड है हमारा, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो इदारों के साथ साथ घर वालों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो पेरेंट्स ये ना करें कि यार जॉब पढ़ो ये करो, आप यूथ पे नज़र रखो वो कर कह रहे हैं। आप अगर हम लोग की गलती एक होती है, हमने आजकल हर बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजीज़ गलत हैं, नहीं, उनको कैसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए और आपके फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को सिखाना चाहिए। जी रियली सॉरी टू से अगेन कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ पर आजकल जो टीचर्स हैं ना, हमारे यहाँ ये ट्रेंड चला, यार मैंने इंटर के एग्ज़ाम दिए अब क्या करूँ, फ्री हूँ, चलो टीचिंग स्टार्ट कर दें। तो जब आप खुद अच्छे से नहीं पढ़े भी आप आगे क्या पढ़ाएंगे, आप चीज़ें समझ के नहीं पढ़े तो आप आगे बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने एजुकेशन फील्ड छोड़ी कि यार नहीं, मेरे बड़े तजाद हो जाते थे कि शमाइला छोड़ो जैसे चल रहे चलने दो, लिटरली मैंने ये बात सुनी कि छोड़े जैसे चल रहे चलने दें, यार आप ज्यादती कर रहे हो अपने यूथ के साथ, अपनी जनरेशन के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, उसमें आपके बच्चे भी इंक्लूड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, बच्चों ने भी उसी सिस्टम से पढ़ना है। एक्जेक्टली कल को तभी तो ऐसा होता है ना कि हमारी जो टीचर्स माएँ होती हैं वो किसी स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, बच्चे तो किसी और स्कूल में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये वो बड़ा इशू है, इसीलिए वो उनको कहती नहीं वही वाले स्कूल में जाना बेटा, याद है तुमने नहीं आना। तो ये वाकई हकाइक है कि हमारे माशाल्लाह से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो वाकई में हैरत होती है इन बातों को सोचते में। दूसरी जगह आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो टेक्नोलॉजी वाकई में बड़ी एक यूज़फुल चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए दुनिया के साथ, अगर आपको चल रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी आपकी मार्केट में आपके हाथ में होनी चाहिए, जो कि
हम यूथ की बात करें, हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, उससे पहले हमारा बच्चा पैदा होता है तो वो समझना शुरू कर देता है टेक्नोलॉजी को. तो हमारा तो माशाल्लाह से यंगस्टर वो है जिसने पैदा होते ही टेक्नोलॉजी देखी है. तो ये चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन बग़ैर ज़रूरत अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ना, तो मुझे लगता है फिर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही होती है फिर, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि उससे क्या यूज़ करना है. और आप किसी कहते हैं ना कि जब आप किसी मेंटोर के पास जाते हैं तो अगर तो वो मेंटोर नहीं जानता कि आपको कैसे पढ़ाना है, तो वो मेंटोर बेसिकली आपसे पढ़ रहा होता है. बिल्कुल. तो ये टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल इसी तरह है. और जिस कदर ये वायरल हो रही है चीज़ें, जिस कदर टेक्नोलॉजी हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉमन हो रही है, अभी इतनी कॉमन है, आज के बाद अगर हम 5 साल बाद या 10 साल बाद का अगर अपना फ्यूचर देखते हैं तब कितनी कॉमन होगी. मैं तो ये सोचती हूँ कि तब जो एक जो इमेजिनरी चीज़ें लोगों ने बनाई हुई हैं कि आप जो है इस तरह भी देख सकेंगे, तो ये भी हो सकेगा, वो भी हो सकेगा. जहाज़ जो हमारे पास पहले कॉन्कर्ड था बड़े एक टाइम पे, बड़ा एक तेज़ जहाज़, वो क्योंकि कामयाब नहीं हुआ, उसको बनाने की दोबारा तैयारियां, आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की तैयारियां, आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की तैयारियां हो रही हैं. तो ये वाकई में एक चीज़ है जो शायद बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर अच्छा किया जाए तो क्या ही अच्छा हो. हम क्यों नहीं काउंसलिंग, हम जब काउंसलिंग करते हैं किसी भी बच्चे की, हम जब काउंसलिंग करते हैं किसी भी यंगस्टर की या पेरेंट्स की या किसी की भी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो फिर एज नहीं आती, हम 0 to जिस एज में भी हम हैं हम टेक्नोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं. तो ये जब काउंसलिंग की बात आती है तो हमें ये कौन बताएगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए, सबसे पहले हमने अगर किसी की काउंसलिंग करनी है तो ये बात श्योर होने चाहिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, मैं श्योर हूँ 100%, तब मैं जाकर आगे को मैं सेटिस्फाई कर सकूँगा. तो अगर हम क्लियर है तो हम आगे अपने भी हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो बच्चे हैं उसको हम, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम क्लियरली बता सकेंगे कि आप ये काम इस तरीके से करो. लेकिन अगर हम खुद क्लियर नहीं है, जिस तरह मैडम की मैं बात को जो है ना उसको आगे लेके चलूँगा कि हमें सिर्फ मार्क्स का बताया जाता है कि आप मार्क्स ले लो जी. हम पे प्रेशर डाला जा रहा है. अब जो सिस्टम हमारा चल रहा है वो तो अभी चल रहा है, लेकिन अब हमने उसको चेंज किस तरह करना है? इस चेंज के बारे में ज़रूर मैं शबीर साहब बात करूंगी, लेकिन क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे कि ये चेंज बेसिकली आएगा कैसे. टाइम टू हैव ब्रेक. जो नाज़रीन तहां से मुलाकात की, उठाने ब्रेक का पॉइंट.